गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज, ये वीडियो मैं बहुत दिन बाद बना रहा हूँ, करीब एक हफ्ता बाद, क्योंकि अभी मैं बुखार से उठा हूँ, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो चुका था और ऐसे ही घूमते घूमते सोचा कि एक ब्लॉग बना दिया जाए। आया हूँ बस घूमते घूमते हरिओम के घर तरफ और इधर का थोड़ा नज़ारा बहुत मस्त मस्त है, क्योंकि आज बारिश हो चुकी है, सावन आया है हमारे, बहुत दिन बाद बारिश हुई है गाइज, और पवन भी है हमारे साथ। चलिए बात करते हैं। बस तो गाइज, ये हमारा है स्टेडियम, हम लोग यहीं पे प्रैक्टिस करते हैं और ये हमारा एक तरह से दूसरा घर है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर समय यहाँ बिताते हैं घर के अलावा। तो चलिए अब हम अपने ग्राउंड में आपको लेकर चलते हैं। आज ब्लॉग में हम यही सब आपको दिखाएंगे। ये देखिएगा, और ये रहा हमारा ग्राउंड, आ चुका है हमारा वॉलीबॉल ग्राउंड। गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं अपने ग्राउंड में जहां हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, और यही हमारा ग्राउंड है और आज हमें यही सब घूमते हुए आपको दिखाना है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर समय इसी ग्राउंड में बिताते हैं, इसी ग्राउंड से हम लोग खेलना सीखे हैं, बॉल को छूना सीखे हैं, और यहाँ से फिर दोस्तों, अब हम लोग अपना ग्राउंड बनाकर निकल चुके हैं। ये देखिए, हम लोग पूरा अपना कपड़ा वपड़ा खोल कर जी जान देकर ग्राउंड को बनाए हैं। तो आपको आइए दिखाते हैं हम लोग अपना ग्राउंड कैसे। दोस्तों, यहाँ पर बारिश हुआ है, तो हम लोग सोचे हैं कि थोड़ा अपना ग्राउंड बना दे। काफ़ी मेहनत के बाद देखिए हम लोग का ग्राउंड कैसे तैयार हुआ। ये हमारे ग्राउंड के दीवारों पर कितना अच्छा अच्छा कलाकृति तस्वीरें बनाई गई है, और ये शुभ विचार भी लिखे गए हैं। ये देखिए, दोनों तरफ